हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सब खुश होंगे। तो आपका भाई भी ठीक है? तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे जो नहीं आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों तलक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। खेत जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं गाछी में आ गया हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ही ठंडा गाछी में दोस्तों, बहुत ही धूप करी है दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं ये बच्चा लोग लकड़ी तोड़ रहा है। ये देखिए बच्चा लोग, बाबू लोग लकड़ी तोड़ लिए। तो बच्चे लोग लकड़ी तोड़ रहा है, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा है और लकड़ी से तोड़ रहा है गाछ पर। ये देखिए तोड़ रहा है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब बनता है कर दीजिए। ये देख सकते हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग लकड़ी तोड़ रहे हैं। तो अभी जाने में तो दोस्तों टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही दूर में है ना खेत हमारा। दोस्तों तालाब बन गया है, आप सभी को मैं तालाब भी दिखाऊंगा अपना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और भाई को प्यार दुलार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, देते रहिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि उधर दोस्तों सुनसान बहुत ही ज़्यादा है। उधर तो दोस्तों कोई वही नहीं है दोस्तों, आदमी का तो कोई वही नहीं रहता है क्योंकि दोस्तों उधर घर नहीं है, ज़्यादा घर नहीं है दोस्तों। उधर बाद है, कोई नहीं रहता। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अकेले जा रहा हूँ, हमारे साथ कोई नहीं है दोस्तों। मैं हूँ और मोबाइल है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो फिर मैं चलता हूँ दोस्तों। पैदल इसलिए जा रहा हूँ ना कि आप सभी का हर एक चीज़ दिखाएंगे। ये देख सकते हैं ट्री बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अब जुताइया भी हो रही है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मसूर सभी छींटी जाएगी दोस्तों, धान के बाद मसूर भी छींटी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर मैं चलता हूँ। तो दोस्तों मैं उधर से आया हूँ, आप सभी को बता दूँ ये रास्ता है, ये देखिए रास्ता है, मैं जा रहा हूँ दोस्तों। गाछी में दोस्तों बहुत ही ठंडा है ना, इस वजह से दोस्तों गाछी में अच्छा हवा चलती है और ठंडा रहता है पेड़ पौधे के वजह से दोस्तों। तो मैं गाछी दिए जा रहा हूँ इस वजह से कि दोस्तों कड़ी धूप बहुत ही है, बहुत ही कड़ी धूप है दोस्तों। इसमें तो कोई दोस्तों उतनी दूर जाएगा ही नहीं दोस्तों, सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही दूर में हमारा खेत है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं धान फूट गया है और दोस्तों ये दाना देती अच्छा दाना है दोस्तों। ये देखिए आप सभी को दिखा, ये देखिए दोस्तों धान बहुत ही अच्छा हुआ है इस बेरी का दोस्तों। अगले बेरी तो दोस्तों पानी वानी लग के ख़राब हो गया था ना, इस बेरी का अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को मैं अपना खेत दिखा देता हूँ और धान भी दिखा दूँगा अपने खेत का कैसा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पोल्ट्री फार्म दोस्तों, मुर्गा से यहाँ पाला जाता है दोस्तों। छोटा छोटा चूजा जो रहता है ना वही अंदर में दाना खा के और क्या क्या चीज़ सब दवाई ववाई मिला के बड़ा हो जाता है, फिर उसे मार्केट में सेल किया जाता है, बेचा जाता है दोस्तों। कंपनी मुर्गा देती है या फिर उसे पोस कर बड़ा कर दिया जाता है जवान। तो अभी तो दोस्तों देख सकते हैं अभी तो नहीं है मुर्गा, आप सभी देख ही सकते हैं नहीं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैं रोड पर आ गया हूँ इधर दोस्तों, उस भी आ गए हैं, देखिए उस भी आया हूँ। तो मैं तो रोड पे आ गया हूँ, तो आप सभी को धान दिखा देता था। ये देखिए दोस्तों इधर का हरा ही हरा है दोस्तों, कहीं पे पक गया है देखिए, इधर उधर देखिए दोस्तों पीला पीला हो गया ना, उधर का दोस्तों पक गया है और कहीं का हरे हरा है, बहुत ही हरा हो रहा है। कहीं में तो दोस्तों मतलब बोलते हैं ना फल भी नहीं लिया है दोस्तों, मतलब बोलते हैं फूट जो जाता है धान। तो अभी नहीं फूटा है, कितने में नहीं फूटा है दोस्तों, कितने में फूट गया है जैसे इसमें देखिए दोस्तों, हरा ही हरा है अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को मैं अपने गांव का डगर फील दिखाता हूँ, ये देखिए डगर फील दोस्तों बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कहीं कोई नहीं है दोस्तों, इधर कहीं आपको कोई दिखाई नहीं देगा दोस्तों। धूप भी इतनी बहुत ही करिए, देखिए देखिए दोस्तों धान सब दोस्तों बहुत ही अच्छा हुआ है इस बेरी का धान, नहीं तो सब बेरी दोस्तों पानी लग के ख़राब हो जाया करता था। तो आप सभी को नहीं बताया दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये इसे बोलते हैं दोस्तों डगर फील, हमारे गांव का है।
तो यहाँ मैच खेला जाता है दोस्तों, तो आप लोग देख ही सकते हो, आप सभी देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा मैदान है। यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर खाना था दोस्तों, पहले दवा ववा मिलता था दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे का सब चीज़ टूट गया, ये देखिए सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी बड़ी मैच होती है, फुटबॉल खेला जाता है, और दोस्तों बहुत ही बड़ा ये देख सकते हैं मैदान दोस्तों, बहुत ही बड़ा। दोस्तों एक पोल्ट्री फार्म वहाँ भी है दोस्तों, आप सभी को जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों पोल्ट्री फार्म है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि हमें पसीना चलने लग गया दोस्तों बहुत ही कड़ी धूप में, ये देखिए दोस्तों बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ही पड़ रही है ना। अभी जाने में तो देर लग गया, क्योंकि दोस्तों मैं साइकिल से नहीं आया हूँ, तो इस वजह से हमें तो जाने में बहुत ही देर लग गया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत से वीडियो आपके पास लेकर आता है दोस्तों, वीडियो नहीं आ रही थी दोस्तों इस वजह से कि हमारा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था, दिमाग उमाग थोड़ा भारी हो गया था दोस्तों, डालने का मन नहीं कर रहा था कुछ। सो गाइस आप से भी देख सकते हैं यहाँ पे जो कुम्मी जो है ना, तो यहाँ पे दोस्तों छोटी मोटी दोस्तों तालाब था, तो ये दोस्तों यहाँ पे मछली थी दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे मछली थी। मगर आप सभी को एक बात दोस्तों बताएं दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताऊं कि इतने धूम में दोस्तों मजदूर जो काम करे या दोस्तों धान वान काटे या कितना मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोग तो समझ ही सकते हैं बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप सभी देख सकते हैं इधर का धान है ना हरा ही हरा है, ये देखिए जहाँ तक दोस्तों देख रहे हैं ना, कम ही सम दोस्तों धान पक गया है, नहीं तो दोस्तों हरा ही हरा है, आप सभी देख ही सकते हो दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे गांव का धान तो अभी तो ज़्यादा नहीं पका है दोस्तों, कुछ दिन बाद दोस्तों सभी पक जाएगा धान। तो आप सभी देख सकते हैं सुनसान है, कहीं कोई नहीं है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है। तो दोस्तों मैं आप सभी को दिखाऊंगा, मैं अपना तालाब और खेत भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों यहाँ से धान का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों, क्या ही बताएं, ये देखिए यहाँ धान पक गया है, और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, आप सभी को जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए खरर दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी खरर है दोस्तों, आप सभी को तो वीडियो में छोटी दिखाई दे रही होगी, और दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी खरर है, आप इधर भी देख सकते हो दोस्तों, सब तरफ धान ही धान है, ये देख सकते हो दोस्तों, हर एक चीज़ मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो भाई को प्यार दुलार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ये देख सकते हो दोस्तों जूम करके दिखा रहा हूँ, हर एक जगह पर दोस्तों धान ही धान है, अभी दोस्तों मैं बता दूँ कि हरा ही हरा है, कहीं भी देखिए दोस्तों कम ही सम पक रहा है दोस्तों धान, पकने पर दोस्तों लाली पर आ गया है, पक रहा है, तो जहाज़ भी जा रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते जहाज भी आप सभी देख सकते हैं दरभंगा हवाई अड्डे पर ये लैंड करेगी दोस्तों, अच्छी देर में पहुंच जाएगी जा। तो दोस्तों मैं अब जा रहा हूं अपने खेत। तो आप सभी जो देख रहे हैं ये चार तार, वहां जूम करके आप सभी को दिखाता हूं, ये देख रहे हैं ये हमारा तार है, तार का पेड़ है, इधर भी है, ये दादा वाला है दोस्तों, हमारा दादा था वही वाला दोस्तों, हमारा खेत है उसमें दोस्तों तालाब हैगा दोस्तों बहुत ही बड़ा, तो आप सभी को दिखाऊंगा। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पानी लगा हुआ है, बहुत छोटा मोटा तालाब है, ये देख सकते हैं, ये देखिए पानी लगा हुआ है यहाँ पे, खरर भी है बहुत दूर दोस्तों। इस सभी में मैं दोस्तों आप सब हमारी फैमिली लोग हैं ना, तो आप सभी को दिखाने में आया हूँ कि आप लोग तो हमारा खेत भी नहीं देखा, ये देखिए यहाँ तालाब है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप दोस्तों, हमें तो नहीं पता दोस्तों आप सभी को दिखा दे रहा है या नहीं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए तालाब दोस्तों बड़ा है, थोड़ा बड़ा है मगर दोस्तों हमारा उससे दोगुना तीन गुना दोस्तों इससे, तो आप सभी देख सकते हैं जंगल तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, अभी आप सभी को जंगल दिखाएं। मैं रोड से नीचे उतर रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों कीचड़ भी है बहुत सारा, ये देख सकते कीचड़ दोस्तों, डर भी लग रहा है ना, आरी वारी है, सांप कीड़े का डर लग रहा है दोस्तों, केले भी आए हूँ कोई साथ में भी नहीं है, ये देख सकते यहाँ पे पानी लगा हुआ है,
किसका खेत है ये तो हमें नहीं मालूम। पानी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। व्यू देखिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, ये देखिए सब तरफ धानी धानी, ये देखिए। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मैं आपके चलते दोस्तों बाद में आ गया हूँ जहाँ पे सुनसान है दोस्तों, कोई नहीं है। तो आप लोग तो इतना तो कर ही सकते हैं भाई के चलते दोस्तों। पहाड़ी पे देख सकते हो दोस्तों जंगल, क्या ही बताएं आप सभी को। एक यहाँ पे क्या बोलें दोस्तों, दोस्तों आप सभी को देखिए दोस्तों यहाँ पे का धान दोस्तों पड़ गया। ये कौन धान है हमें तो नहीं पता दोस्तों, ये सरना है कि क्या है धान के बारे में दोस्तों उतना नहीं पता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप सभी धान पक गया दोस्तों यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कोई धान नहीं पका है दोस्तों। आप ही सब देख सकते दोस्तों यहाँ पे मछली भी है दोस्तों। धान दोस्तों बहुत ही पक गया, अब कटेगा दोस्तों, ये धान तो कट ही जाएगा। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं ये धान है, ये हमारे चाचा का है। वो दोस्तों चार तार जो है दोस्तों वो हमारा खेत है, तो उसमें तो दोस्तों धान नहीं है दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों पानी है, पानी में दोस्तों मछली सब है यहाँ पे। गेंद है यार, डर गए, डर भी लग रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारा ये चाचा का धान है दोस्तों, बहुत ही अच्छा हुआ है। ये देख सकते हैं कच्चा तोड़ के तो नहीं दिखाना चाहता मगर दोस्तों कोई भी चीज़ फसल है दोस्तों तोड़ना नहीं चाहिए, मगर आप सभी को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों धान बहुत ही अच्छा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप सभी जो देख रहे हैं ये हमारा खेत है, यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं, उस पार भी हमारा ही है, उस पार तो है धान तो दोस्तों इस पार तो कुछ ही नहीं है दोस्तों। पे तो कीचड़ है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे तो कुछ नहीं कीचड़ है। आप सभी को दोस्तों जिसका दोस्तों इंतज़ार था आप सभी को उस चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी बोलो कि हमें तालाब नहीं दिखाया दोस्तों अच्छे से, दोस्तों कोई बात नहीं, मैं पानी में हिल के आप सभी को तालाब दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों मैं पानी में हिल गया, आप सभी को तालाब दिखाऊंगा। आप लोग हमें बोलो कि तालाब में, ये देखिए दोस्तों पानी है, आप लोग बहुत ही गड्ढा भी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा कपड़ा का क्या हाल है, गड्ढा है दोस्तों, पसीना ही बहुत ज़्यादा चल। ये देख सकते हो दोस्तों कदा है दोस्तों, बस जोक वोक नहीं रहे। ये देख सकते हो जंगल, जंगल देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हैं पानी, पानी में हिल के जा रहा, मछली भी है दोस्तों। आप सभी को बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए हमारा तालाब, ये देखिए बहुत ही अच्छा है दोस्त, बहुत ही गहरा भी है दोस्तों। ये देख सकते हैं पानी, ये देखिए दोस्तों तालाब। आप सही हमें बोलते ही नहीं दिखा है तालाब, ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें डर लग रहा है, हमें जाना चाहिए दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ का तार, इससे दोस्तों फल निकलता है, खाया जाता है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही पानी है। सो दोस्तों आपका भाई ने तालाब दिखाया, मैं अपना तालाब दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा तालाब है, ये देखिए दोस्तों आप सभी को दिखाऊँ दोस्तों, बहुत ही दूर से आया हूँ मैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, प्यार दुलार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को मैं अपना तालाब दिखा रहा हूँ तो इतना तो बनता है दोस्तों कि आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए प्लीज़। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो फिर दोस्तों मैं चलता हूँ। दोस्तों इसके अंदर तो मछली हो सकती है, हमारे ख्याल से हो सकती है मछली, क्योंकि दोस्तों खेत खेत मछली इधर उधर से तो आ ही गई होगी, मगर दोस्तों चाला नहीं देख रहे मछली का दोस्तों, बुलबुला तो बोलते हैं, नहीं देख रहे एक भी। आप सभी देखिए दोस्तों नहीं दिखाई दे,
दोस्तों अब मैं जाता हूँ घर, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर मैं चलता हूँ, चप्पल ले लेता हूँ दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ पानी में हिल के, फिर जा रहा हूँ घर। दोस्तों छोटी छोटी मछली है, ये देखिए दिखाई दे रही है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। मैं रोड पे तो आ गया हूँ, और दोस्तों मैं भींग गया, देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में दोस्तों मैं भींग गया। पानी वीडियो बना ही रहा था कि दोस्तों गड्ढा नहीं सूझा, मतलब ये पानी पर लेवल पर रहता है ना, तो गड्ढा थोड़ा पता चलेगा कि दोस्तों गड्ढा भी है। मैं गया और अंदर घुस गया दोस्तों, मोबाइल बच गया, नहीं तो मोबाइल में पानी चला जाता दोस्तों। वीडियो बनाने के चक्कर में आज दोस्तों हमारा नुकसान भी हो जाता। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं एक चीज़ कि दोस्तों हमारा मोबाइल है ना, जब वीडियो बना रहे थे ना इधर से, तो दोस्तों हमारा मोबाइल कादों में भी गिर गया था, बच गया। देख सकते हैं भाई का पूरा कपड़े का हालत क्या हो गया दोस्तों, बर्बाद हो गया। और पैसा भी देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये देखिए दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, सब चीज़ बर्बाद हो गया। पैसा भी लेके आते दोस्तों, हमारा तो नहीं है, दूसरे का पैसा तो बर्बाद हो गया। हमें तो दोस्तों डांस सुननी पड़ेगी, जल्दी से सुखा दूंगा फिर उसे दे दूंगा भाई। दोस्तों फिर मैं जा रहा हूँ घर, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी, लाइक तो बनता है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई को प्यार प्यार देते रहिएगा। ऐसे ही फिर से दोस्तों नई वीडियो और धमाकेदार वीडियो के साथ आएगा आपका भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।